गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी कि रंगों का हमारे ऊपर किस प्रकार मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि बचपन से ही छोटे छोटे बच्चे रंगों के प्रति अट्रैक्ट रहते हैं। उन्हें लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद होता है, किसी को काला रंग बहुत ज़्यादा पसंद होता है, किसी को नीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद होता है। क्यों ऐसा क्यों है? अलग अलग लोगों को अलग अलग रंग क्यों प्रतीक होते हैं? ये इसलिए अलग अलग लोगों को अलग अलग रंग पसंद होते हैं क्योंकि कुछ तो हमारी ग्रह के अनुसार हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, दूसरे हम कैसे माहौल में रहते हैं, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, तो उसी तरह से हम रंगों को पसंद या नापसंद करने लगते हैं। जैसे लाल रंग है, बच्चों सबको पता है कि लाल रंग प्रेम का प्रतीक है। आपने देखा है कि ज़्यादातर शादी के दिन दुल्हन लाल रंग का जोड़ा पहनती है, पूरा श्रृंगार जो उसका, उसकी लाल चूड़ी, लाल मेहंदी सब कुछ है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक है। ये रंग उत्तेजना का भी प्रतीक है, एक्साइटमेंट का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है और उल्लास का प्रतीक है। लाल रंग राष्ट्र प्रेम का भी प्रतीक है और साथ ही साथ ये युद्ध का भी प्रतीक होता है, तीव्र भावनाओं को प्रकट करता है, इसीलिए ये गर्म रंग कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पीले रंग की। बच्चों, पीला रंग प्रसन्नता का प्रतीक है, गर्व का प्रतीक है, प्रफुल्लता का प्रतीक है, प्रखरता का प्रतीक है, सनलाइट प्रकाश का प्रतीक है, बुद्धित्व का प्रतीक है, समीपता का प्रतीक है और इसीलिए ये गर्म रंग होता है। आपने देखा होगा जो हमारे बुद्धि के देवता हैं गुरुदेव बृहस्पति, वो पीले रंग के वस्त्रों को धारण करते हैं और गुरुवार के दिन हम सभी ज़्यादातर पीले रंग के कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं, पीले रंग की दाल बनाते हैं। नीला रंग, बच्चों, ये शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा, स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ठंडा रंग। दूर आसमान को जब हम देखते हैं तो वो दूर तक फैला हुआ स्थिर और दृढ़ता से हमें दिखाई देता है। हरा रंग, बच्चों, ये विश्राम का प्रतीक है, रिलैक्स का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है, मनोहरता का प्रतीक है, बसंत स्प्रिंग का प्रतीक है और बच्चों हरा रंग प्रजनन और विकास का भी प्रतीक होता है। यह रंग शीतल रंग के अंतर्गत आता है। नारंगी रंग, बच्चों, ये ज्ञान का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, प्रेरणा का प्रतीक है और लपट का भी प्रतीक है। आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं जो बाहर तपस्या करने चले जाते हैं वो किस रंग के कपड़े पहनते हैं, ऑरेंज रंग के कपड़े पहनते हैं। जब माता सीता राम लक्ष्मण के साथ वनवास काल काटने गई 14 साल के लिए तो वो ऑरेंज रंग के कपड़े ही पहनकर वनगमन के लिए गई थी। बैंगनी रंग, बच्चों, ये राजसी प्रतीक है, ज़्यादातर राजा महाराजा नीले बैंगनी रंग के कपड़ों को पहनते हैं, ये सम्मान का भी प्रतीक होता है। बैंगनी रंग रहस्य और मृत्यु का भी प्रतीक है। सफ़ेद रंग, बच्चों, सभी जानते हैं कि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है और उज्ज्वलता का प्रतीक है। उज्ज्वल जीने की, जो उज्ज्वलता को उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, उज्ज्वलता जिनके जीवन में बहुत महत्व रखता है वो सफ़ेद रंग के कपड़ों को ज़्यादा पहनते हैं। शांति का प्रतीक, आपने देखा होगा जितने भी बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो शांति चाहते हैं, चाहे वो देश में चाहते हों चाहे वो जीवन में चाहते हों, तो वो ज़्यादातर सफ़ेद रंगों को ही अपने जीवन में महत्व देते हैं। काला रंग, काला रंग, बच्चों, ये अवसाद का प्रतीक है, डिप्रेशन का प्रतीक है, अंधेरे का प्रतीक है, भय का प्रतीक है और बुराई का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप मंदिर में जाओ तो काले रंग के कपड़े पहनकर वहाँ जाना वर्जित होता है। तो काला रंग बुराई का प्रतीक है, भय का प्रतीक है, अवसाद का प्रतीक है, इसलिए हमें हमेशा उन रंगों का चुनाव करना चाहिए जो हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, ठीक है। इसलिए हमेशा ऐसे रंगों को पहनो जिससे जीवन आगे बढ़े ना कि पीछे हो। बच्चों, मैंने आपको कोरोना वायरस पे पेंटिंग बनाने के लिए दी थी, जिन बच्चों ने बना लिए वो अपने आगे पेंटिंग को आगे लेके अपने फेस के साथ उसका फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप करो और जिन्होंने नहीं बनाई है
कल संडे है, कल सब बच्चे कोरोना वायरस पे की रोकथाम कैसे करेंगे उस पे पोस्टर या पेंटिंग बनाएं और मुझे व्हाट्सएप करें दिखाते हुए।